दोस्तों, आज हम लोग डिज्नीलैंड मेला घूमने वाले हैं। तो चलिए मेला घूमते हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अभी इस वक्त हम मुजफ्फरपुर का डिज्नीलैंड मेला घूमने वाले हैं। सबसे पहले मैं बाइक लगा दिया हूँ, ये आप देख सकते हैं, 20 रुपया बाइक पार्किंग का खर्च है। और ये ऑफिस है, अंदर प्रवेश करने के बाद यह कुछ ऑफिस बना हुआ है और यहाँ से मेला शुरुआत होता है। आप अगल बगल में देख सकते हैं, इस तरह से दुकानें सजी हैं और ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े झूला हैं। ये दुकान आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कुछ दुकान लगा हुआ है, बहुत सारे सामान इसमें मिल रहे हैं। जिस भी व्यक्ति को जो खरीदना होगा खरीदेंगे। ये भाई साहब दुकानदार हैं। इधर फर्नीचर का दुकान है, आप वुडन फर्नीचर है देख सकते हैं, तरह तरह की स्टाइलिश बढ़िया सा। और इसमें फर्नीचर के अलावे इसमें कुछ डेली यूज के सामान भी हैं, ये सब वुडन है, सब लकड़ी का बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुडन है, लकड़ी का बहुत ही अच्छा सब बना हुआ है। जिनको ख़रीदना है वो ख़रीदते भी हैं। और ये भाई साहब देखिए, ये बुलबुला छोड़ रहे हैं। इधर कुछ मीना बाज़ार की आइटम है महिलाओं के लिए, इसमें ये सब दुकानें हैं देख सकते हैं आप। और इधर कुछ चटपटी आइटम की दुकान सजी है। इधर देखिए टॉयज है सब बच्चे लोग का, और भी महिलाओं की ज़रूरतें जो है इधर खरीद सकती हैं। इधर पाचक चूर्ण देखिए, जयपुरी पाचक चूर्ण का दुकान है। ये सब आज हम लोग बहुत ही अच्छे से डिज्नीलैंड मेला का नज़ारा देखने वाले हैं। ये सब कुछ कप अगर ख़रीदना है तो ये सब ले सकते हैं, ग्लास का, ये चीनी मिट्टी का, ये सब कुछ यूज़फुल थिंग्स है। इधर बॉम्बे बैंगल्स चूड़ी वाले का दुकान है। और ये भाई साहब कुछ ऊपर बेच रहे हैं, 100 रुपया का कार्ड है, इसको स्क्रैच कीजिएगा। ये कहते हैं कि 249 रुपया में ये कूपन लो, 400 नगद मिलेगा और कोई ना कोई सामान तुम कोई भी नंबर आता है 249 आएगा, लॉटरी लगेगी, अगर नहीं लगेगा तो 399 रुपया वापस। इस तरह से नंबर आता है। ये कुछ मेरे को हजम नहीं हुआ इसलिए मैं इसको देख कर छोड़ दिया। और इधर भी टॉयज का दुकान है। इधर कुछ मनोरंजन के आइटम्स हैं, इधर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब है। और इधर देखो, इधर भी दुकानें हैं। ये मनोरंजन खेल है, ये रिंग गेम है। ये इस रिंग से कुछ भी तुम फंसा सकते हो जो नीचे फ्लोर पे रखा हुआ है, पैसा और भी बहुत सारे सामान सब। ये 50 का 10 रिंग दे रहा है, छोटा बोल रहा है। ये रिंग फेंकना होता है, अगर रिंग के बीच में का रुपया जो भी आ जाएगा वो कस्टमर का हो जाएगा। तो ये कुछ गेम है, रिंग गेम, आप देख सकते हैं बहुत सारे। और उसमें अगर उसको खेलते फंस जाएगा तो दे देगा पूरा। ये छोटू पूछ रहा है कि आप ये वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, बोले कि हाँ।
चैनल का नाम बता दो। अच्छा, पहले मैंने बता दिया, MK इन्फो ब्लॉग्स। इधर भी कुछ मनोरंजन का खजाना, ये भाई साहब की दुकान सजी, और इसके बगल में ये कुछ दुकान है, इसमें भी बहुत सारी टॉयज हैं और भी तरह तरह की चीज़ें। इधर देखो, ये तो मेला में सब यही सब दुकान सब रहते हैं, और इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी चटपटी आइटम सब, तो उधर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा। आगे आप देखते रहिए, ये सब तो वही पुरानी चीज़ें हैं। अब इधर देखिए, थोड़ा सा ओपन ग्राउंड है और इसमें झूला वगैरह और भी तरह तरह की चीज़ें जो हैं सजी इंटरटेनमेंट के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, झूला पे भी चढ़ते हैं, ये बुलबुला वाले भाई साहब यहाँ भी हैं। और ये बच्चों का राउंड झूला है, ये लोग मेला मन बहलाने के लिए आते हैं। इधर देखो, ये बच्चे ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं, ये बच्चों का स्लाइड है। इधर बच्चे लोग राउंड झूला पे झूल रहे हैं। और इधर वाटर पार्क, ये मैडम जी इसका टिकट सेल कर रही है। इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस वाटर बोट पे जाते हैं और इसमें इंजॉय करते हैं इस वाटर बोट में। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, बच्चे लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इसमें। ये देखो, इसका पानी एकदम नीट एंड क्लीन, और बच्चों के पेरेंट्स है इस तरफ जो बच्चे को कुछ गाइड कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा ना करे, एक दूसरे के बोट में कोई टकराए नहीं, सब अपना बोटिंग करें। और ये देखो, ये बहुत ही बच्चों के लिए इंटरटेनिंग गेम है वाटर बोटिंग। इधर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। अब इधर है बुकिंग काउंटर झूला पर चढ़ने के लिए, इधर भी कुछ खाने पीने की दुकानें सजी हैं। और ये गोल गोल घूमने वाला ये जो रिंग लाइट है, इसमें कोई भी बीच में जो बनाया हुआ है उस पर स्टैंड हो सकता है, और स्टैंड होगा और चारों तरफ से वो रिंग इस तरह से ऐसे घूमता रहेगा, ये बनाया हुआ है। ये जंपिंग झूला है, ये बच्चे लोग, और इधर भी है तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, जिनको जिसमें अच्छा लगता है वो जाते हैं, बच्चे झूलते हैं। और ये सबसे ऊंचा झूला है, इस पर तो भाई साहब पूछो मत, ये सब नहीं झूल सकता है। मैं तो इस पर चढ़ने वाला हूँ, लेकिन मेरा
हार्ट अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी में हमको झूलना पड़ रहा है और लगता है कि मेरा ब्रेन ऊपर ही रह जाएगा, मैं नीचे चला आऊँगा। चलो फिर भी फर्स्ट टाइम मैं इस पर झूलने वाला हूँ, देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा है, लेकिन चलो झूल लेते हैं। ये ट्रेन है बच्चों के लिए, बच्चे इस ट्रेन पे चढ़ के इंजॉय करते हैं। टिकट कटा के अंदर जाना पड़ता है। और ये झूला देखो ये, और इस तरह से ये सब कुछ डिज्नीलैंड मेला का नज़ारा है। इधर निशानेबाजी हो रही है, बैलून को निशाना लगाया जा रहा है गन से। तो ये देखो, ये छोटे बच्चे निशाना लगा रहे हैं, और ये भाई साहब हैं जो सबको निशाना लगवा रहे हैं। इनका ये दुकान है, दस का, हाँ पचास का दस। ये देखो छोटू का निशाना लग गया। ट्रेन के इंजन बंद कर देंगे। मैं जा रहा हूँ कचरा बेचने।